हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। एंड टू बी रिलेटेड, हैप्पी लोहरी एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को लोहरी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो ब्लॉग है बेसिकली टू डेज में डिवाइडेड है। ये 13th को हम लोग थोड़ा प्लांट्स वगैरह परचेज करने गए थे घर के लिए, तो उसको उसका है कुछ लड्डू वगैरह हमने बनाए थे, तो वो सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप ये वीडियो एंजॉय करिए। ये सब वो पौधे हैं जो हम घर में लेकर आए पसंद करके, तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए एंजॉय करिए आप इस वीडियो को। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ तिल के लड्डू, तिल खोए के माँ तिल मावा लड्डू जो होते हैं मैं वो बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं 400 ग्राम्स ऑफ मावा यानी कि खोआ, 400 ग्राम्स की मैंने तिल लिए हैं। साथ ही 2 बोल इसमें जाएगा शुगर पाउडर। मेरे पास शुगर पाउडर नहीं था, तो जो क्रिस्टलाइज शुगर था मैं उसको पाउडर बना लूँगी घर में। तो यहाँ सबसे पहले हमें खोए को अच्छे से भून लेना है, हल्का सा रेड हो जाने तक हमें खोआ भूनना है। तो यहाँ खोआ भूनने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा और खोए को बराबर चलाते हुए भूनते रहिएगा। तो कुछ देर में, और नॉन स्टिक कढ़ाई अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, इससे खोआ ज़्यादा स्टिक नहीं होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने खोए को भून लिया है और हल्का सा रेड हो जाने तक हमें इसको भूनना है। और जब ये पूरा कढ़ाई छोड़ने लगेगा ना, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये भून के तैयार हो चुका है। वैसे तो नॉनस्टिक में उतना स्टिक होता नहीं है, लेकिन हाँ तब भी समझ आ जाता है, कलर आने लग जाता है उसके ऊपर। तो यहाँ हमारा खोआ भुनकर तैयार है। तो सबसे पहले हम अब अगेन उसी कढ़ाई में हम भून लेंगे तिल। हमने यहाँ तिल को बराबर स्टर करते हुए भूनते रहना है। और जब हम भूनेंगे ना, तो इसमें से आवाज़ आएगी तो और खुशबू भी आने लगेगी जैसे ही तिल भुन जाएगा। और थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली ब्राउन कलर आपको दिखेगा, ब्राउन नहीं कहेंगे, लाइट ब्राउन कलर, गोल्डन कलर इस तरह का कह सकते हैं आप। तो इसको हमें हल्का सा चलाते हुए भूनना है। और जब ये भुन जाएगा ना, तो आप ऐसे फिंगर में मतलब ऐसे उठा के थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाएगा, तो उस तरह भी आपको पता चलेगा कि हाँ ये हुआ है कि नहीं। यहाँ हमारा दोनों चीज़ें भुनकर तैयार हो गई हैं। तो अब मैं शुगर पाउडर बना लूँगी। तो शुगर को सिंपली हमें मिक्सी में डाल के मैं उसको पाउडर बना लूँगी। और यहाँ हमारा शुगर पाउडर बनकर तैयार है, मावा तैयार है।
और तिल तैयार है। तिल को भी हमें हल्का सा क्रश करना है, तो उसके लिए हम मिक्सी में हल्का सा एकदम चलाएंगे, जिससे कि ये थोड़ा क्रश हो जाए, मतलब ऐसे खड़ा खड़ा ना रहे। उसके लिए बस हमें हल्का सा चला देना है और इसको हल्का सा दरदरा टाइप का पीस देना है बस। उसमें हम सारी चीज़ें मिला देंगे और इसको ना बहुत अच्छे से हम मिलाएंगे। शुगर मैंने एक बोल ही पीसी थी, तो अभी थोड़ी सी बाकी थी तो मैंने वो भी पीस ली है। और यानी कि 400 ग्राम्स ही शायद शुगर भी होगा, उससे थोड़ा कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिल जाएगा ये। तो यहाँ हमने एक बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, यानी कि परात जो होती है बड़ी सी, उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसमें हमने थोड़ा सा घी भी डाला है, जिससे कि ये बाइंड होने में इसको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ हमें कम से कम 4 से 5 चम्मच, बड़े चम्मच हमने घी डाला है और बस हमारे लड्डू इस तरह बनकर एकदम तैयार हो। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, मकर संक्रांति वाले दिन का वीडियो। और यहाँ सुबह हमारी जो हाउस हेल्पर आती हैं, यहाँ पे रंगोली का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जो लोग बैंगलोर से बिलोंग करते हैं या जो आए हैं या जो रहते हैं नॉर्थ इंडियंस, उन सबको पता ही होगा कि यहाँ रंगोली का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो यहाँ जब वो आई तो उन्होंने पूछा कि अक्का बोलती हैं वो, कि अक्का रंगोली कलर वगैरह तो था ही, तो मैंने कहा हाँ बना दीजिए। तो बस वो रंगोली यहाँ बना रही हैं और बहुत फास्ट और बहुत आप देख सकते हैं उनके हाथ चलाने के तरीके को कि कितना क्लियरली और कितना उनके हैबिट में है ये। तो यहाँ उन्होंने पूरी रंगोली बनाकर तैयार कर दी है। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे बने हुए लड्डू, जो हमारे बनकर ये तिल वाले लड्डू भी बने हैं, ब्लैक वाले, और ये भी बने हैं। तो ये सब लड्डू बनकर एकदम तैयार हो गए हैं और सुबह की ये प्रिपरेशंस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही हमने एक जगह खिचड़ी मनसी जाती है, तो एक जगह सारी चीज़ें निकालनी है जो हमको छूनी हैं, सबके लिए अलग अलग छूते हैं हम लोग, तो वो निकाल के रखा है। और अब यहाँ हम लोग खा रहे हैं दही चूड़ा। और दही चूड़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे यहाँ, मतलब इस दिन खाना बहुत मस्त होता है। तो हम एक एक स्पून ही खा रहे हैं और दही चूड़ा खा रहे हैं। सभी को सबसे पहले दही चूड़े से मुंह झूठा करना होता है, मतलब खाना होता है सबसे पहले मुंह झूठा है नहीं, सबसे पहले हम प्रसाद के बाद यही खाते हैं, उसके बाद कुछ और खाते हैं। तो बस यहाँ नाश्ता में मैंने ऐसे डिटेल वीडियो तो नहीं है, डिटेल रेसिपी तो नहीं है, बट नाश्ते में हमने यहाँ बनाया था बेड़ई और सब्ज़ी। बेड़ई सब्ज़ी यानी कि आलू की जो एकदम हलवाई वाली सब्ज़ी होती है वो, और साथ ही हमने बनाया था कचौड़ी, जो कि बहुत टेस्टी लगता है साथ में। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए होगा तो आप बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो इसी तरह सिंपली हमने मतलब और खिचड़ी थी, तो खिचड़ी तो बनती ही है, तो हमारे यहाँ रात में बनती है। हमारा यही ब्रंच, ब्रेकफास्ट और ब्रंच दोनों ही था, तो हमने यही खाया था। और रात में हमने बनाई थी तहरी। खिचड़ी बनती है बेसिकली, लेकिन हमने तहरी, क्योंकि खिचड़ी उतना ज़्यादा कोई खाना पसंद करता नहीं है, तो हमने तहरी बनाई थी। उसी में तहरी यानी कि जो राइस होते हैं पुलाव टाइप का होता है वो बनाया था। उसमें हमने बस कुछ दाल के दाने डाल दिए थे, तो वो एक नियम हो गया था कि यहाँ खिचड़ी बनाई है। तो बस इसी तरह हमारा संक्रांति वाले दिन हमने मतलब यही कुछ चीज़ें बेसिक की थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सकें। तो यहाँ मेरी पूरी पूरी सुंदर सुंदर सी कचौड़ियाँ बनकर भी एकदम तैयार हैं, देख सकते हैं आप कितनी माउथ वाटरिंग लग रही हैं। तो बस यहाँ अमेज़ॉन से हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जो कि हमें रिसीव हुई थी मॉर्निंग में, तो वही हस्बैंड ओपन कर रहे हैं। यहाँ हमने कोको पीट का एक ब्रिक ऑर्डर किया था और साथ ही हमने बेटी के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, बॉटल का, उसका बॉटल क्लीनर। तो बस यही तक का था मेरा वीडियो, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ।